निर्भया गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को आखिरकार शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज के दिन का इंतजार पूरे देश को था, जब निर्भया को इंसाफ मिल सके। आज से 7 साल 3 महीने और 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की रात देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस के दौरान एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसने देश को झकझोर दिया था। 16 दिसंबर 2012 को ही दरिंदगी से देश की बेटी असहनीय पीड़ा से गुजर रही थी। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह अपना हौसला बनाई हुई थी। इन्हीं पर्चियों में देश के इस बहादुर बेटी निर्भया ने अपने तकलीफ व दर्द को बयां किया। 19 दिसंबर 2012 माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे याद आ रही है कि आपने और पापा ने बचपन में पूछा था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं किसी तरह लोगों का दर्द कम कर सकूं। आज मुझे खुद इतनी पीड़ा हो रही है कि डॉक्टर या दवाई भी इसे कम नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर 5 बार मेरे छोटे बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 21 दिसंबर 2012, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। डॉक्टरों से कहो मुझे एनेस्थीसिया न दे। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो लगता है कि मैं बहुत सारे दरिंदों के बीच फंसी हूँ। जानवर रूपी ये दरिंदे मेरे शरीर के एक एक अंग को नोच रहे हैं। बहुत डरावने हैं ये लोग, भूखे जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़े हैं। मेरे को बुरी तरह रौंद डालना चाहते हैं। माँ, मैं अब अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती। मेरे आसपास के सभी शीशे तोड़ डालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपना चेहरा नहीं देखना चाहती। 22 दिसंबर 2012, माँ मुझे नहला दो, मैं नहाना चाहती हूँ। मैं सालों तक सावर के नीचे बैठे रहना चाहती हूँ। उन जानवरों की गंदी छुअन को धोना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं अपने ही शरीर से नफरत करने लगी हूँ। मैंने कई बार बाथरूम जाने की कोशिश भी की, लेकिन पेट की तकलीफ की वजह से उठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सिर उठाकर आईसीयू के बाहर शीशे के पार खड़े अपनों को देख सकूं। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना, अकेले डर लगता है। जैसे ही आप जाती हैं मेरी धड़कन बढ़ जाती है और मैं आपको तलाशने लगती हूँ। 23 दिसंबर 2012, माँ, ये चिकित्सकीय उपकरणों की आवाज़ मुझे बार बार ऐसे ट्रैफिक सिग्नल की याद दिलाती हैं, जैसे वाहन आवाजें कर रहे हैं, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी आवाज़ में मैं चीख रही हूँ, मदद मांग रही हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। इस कमरे की शांति मुझे उस रात की ठंड को याद दिलाती हैं, जब उन जानवरों ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। माँ, आपको याद है एक बार पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया था और आप पापा से लड़ने लगी थी। माँ, पापा कहाँ हैं? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? वो ठीक तो हैं? उन्हें कहना वह दुखी ना हो। 25 दिसंबर 2012, माँ, आपने मुझे हमेशा मुश्किलों से लड़ना सिखाया है। मैं इन जानवरों को सजा दिलाना चाहती हूँ। इन दरिंदों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती। वैसी है ये लोग, इनके लिए माफ़ी का सोचना भी भूल होगी। जब वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, वह भी बुरी तरह जख्मी हुआ। अब कैसा है वो? 26 दिसंबर 2012, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो, मैं सोना चाहती हूँ।
मेरा सिर माँ आप अपने पैरों पर रख लो, माँ मेरे शरीर को साफ कर दो, कोई दर्द निवारक दवाई भी दे दो, पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, डॉक्टरों से कहो अब मेरे शरीर का कोई और हिस्सा ना काटें, यह बहुत पीड़ादायक होता है, माँ मुझे माफ कर देना, अब मैं जिंदगी से और लड़ाई नहीं कर सकती।